और अब ये देखते हैं कि आज के दिन का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1940 में आज ही के दिन भारत के अमर क्रांतिकारी ऊधम सिंह को लंदन की एक जेल में फांसी दे दी गई थी। शहीद ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए माइकल ओ'डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। वर्ष 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब माइकल ओ'डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। डायर से बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने पूरे 21 वर्षों तक मौके का इंतजार किया और फिर अपनी कसम पूरी की। वर्ष 1995 में आज ही के दिन पहली बार भारत में मोबाइल फोन के जरिए बातचीत की गई थी। पहला मोबाइल फोन का कॉल पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को किया था। कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली के संचार भवन के बीच इस पहली मोबाइल फोन कॉल के साथ ही भारत में मोबाइल फोन्स का दौर शुरू हुआ था। 1880 में आज हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद ने 250 से ज्यादा कहानियां और एक दर्जन से ज्यादा उपन्यास लिखे थे। गोदान, कफन, निर्मला, सेवा सदन और कर्मभूमि उनकी बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं। वर्ष 1658 में आज ही के दिन मुगल साम्राज्य के छठे शासक औरंगजेब ने खुद को भारत का शहंशाह घोषित कर दिया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके सत्ता हासिल की थी। औरंगजेब ने सन 1658 से 1707 तक भारत पर राज किया। और वर्ष 1980 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मोहम्मद रफी का निधन हुआ था। मोहम्मद रफी ने 1940 के दशक से 1980 तक हिंदी फिल्मों के 5000 से ज्यादा गाने गाए। शास्त्रीय संगीत हो, दर्द भरा गीत हो, मस्ती हो, रोमांस हो या फिर देशभक्ति हो, रफी साहब की आवाज हर तरह की भावनाओं को अपने अंदर समाहित कर लेती थी। रफी साहब के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए थे और उस दिन तेज बारिश हो रही थी, लेकिन लोग अपने पसंदीदा गायक के आखिरी दर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे, उमड़ पड़े थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जिन वस्तुओं को जानबूझकर ज्यादा दामों पर बेचा जाता है उनका बहिष्कार कीजिए। ऐसा करके आप मुनाफाखोर लोगों को करारा जवाब दे सकते हैं। नमस्कार।